हमने अब लगभग हमारे 5 साल पूरे हो गए, अगला चुनाव आ गया। 5 साल पहले जब हम लोगों ने जिम्मेदारी संभाली थी तो बहुत सारी बेसिक चीज़ें ही गड़बड़ थी। बिजली का बुरा हाल था, हर साल बिजली के दाम बढ़ा करते थे और पावर कट बहुत लगा करते थे। मुझे याद है फरवरी 2015 में हम लोगों ने जिम्मेदारी संभाली थी और जून जुलाई 2014 का अगर आप डेटा निकाल लें तो जून जुलाई जो समर के महीने थे, 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट दिल्ली में लगा करते थे। और उसके बाद भी जिम्मेदारी संभालने के बाद 2 साल तक कम से कम मेरे को याद है गर्मियों में किस तरह से कॉलोनी कॉलोनी जा जाके हम लोगों ने जब पावर कट लगते थे उनकी सुध ली थी और बिजली कंपनियों से हर तीसरे दिन रिपोर्ट मंगाते थे कि कितने कल पावर कट लगे, कितने नहीं लगे, कहाँ प्रॉब्लम्स हैं। पानी का बुरा हाल था, पानी जैसा अभी खेतान साहब ने बताया 58% केवल दिल्ली 58% दिल्ली में टूटी से पानी आता था, 42% जगहों पे टैंकर से पानी जाया करता था। ये देश की राजधानी में 70 साल के बाद ये स्थिति थी। सरकारी स्कूलों का बुरा हाल था, कोई अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भर्ती नहीं कराना चाहता था। प्राइवेट स्कूल वालों ने सब प्राइवेट स्कूल ही बहुत सारे प्राइवेट स्कूल अच्छे हैं लेकिन कुछ ने इतनी धूम मचा रखी थी कि हर साल इतनी फीस बढ़ा देते थे और तरह तरह से चार्जेस लिया करते थे। हेल्थ का बुरा हाल था, सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल था, दवाइयाँ मिलती नहीं थी और अंदर से बिल्डिंग्स टूटी पड़ी थी सरकारी अस्पतालों की। उसी साल जिस साल हमने टेक ओवर किया 15,000 डेंगू के केसेस हुए थे। मैं एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल जा रहा था कि किस तरह से बेड्स बढ़ाए जाएं। उस साल 60 लोगों की मौत हुई थी डेंगू से। वहां से पिछले 5 साल के अंदर हम लोगों ने इतना किया है कि दिल्ली की बेसिक ज़रूरतों को ठीक करने की कोशिश की है। आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है, जो मैं नहीं समझता कि आज से 3 साल पहले भी कोई सपने में भी सोच सकता था कि दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली आ सकती है। आज हमारे पास हमने मैनेज किया है कि दिल्ली के अंदर बिजली की कमी नहीं है। कुछ एरियाज की लिस्ट रह गई है जहां पे लोकल ट्रांसफार्मर चेंज करने हैं और लोकल केबल चेंज करनी है, उसकी भी लिस्ट हमारे पास है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। जमीन नहीं मिल पा रही लेकिन उसकी भी फिर हमने टेक्नोलॉजी निकाली है कि एक सीधे खंभे के ऊपर हम किसी तरह से ट्रांसफार्मर खड़ा करके और कुछ करेंगे। लेकिन कुछ उन इलाकों को छोड़ के अब दिल्ली के अंदर कहीं भी बिजली के पावर कट नहीं लगते और उस वजह से अब हमने पॉलिसी जारी की है कि अगर कहीं पावर कट लगा और 1 घंटे में ठीक नहीं हुआ तो आपको उसका हर्जाना मिलेगा, बिजली कंपनी को कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा आपको कि उसने बिजली क्यों काटी। आज देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली के अंदर मिल रही है, सबसे सस्ती बिजली। मुझे याद है जब हमने 49 दिन की सरकार संभाली थी, द फर्स्ट टर्म, 14 फरवरी को हमने इस्तीफा दे दिया। 8 फरवरी को बिजली कंपनियां मेरे पास आई और उन्होंने कहा जी कल हमारे पास कल की बिजली खरीदने के पैसे नहीं हैं, हमें सरकार से 700 करोड़ या 600 करोड़ उन्होंने मांगे थे, इतने पैसे चाहिए नहीं तो कल दिल्ली में ब्लैकआउट होने वाला है। वहां से लेके आज हम जिस स्थिति के अंदर हैं, करीब 11-12 हजार करोड़ के रेगुलेटरी एसेट्स थे, आज दिल्ली के अंदर पिछले 5 साल में हमने 3,500 करोड़ के रेगुलेटरी एसेट्स कम कर दिए, हमने 24 घंटे बिजली कर दी, सबसे सस्ती बिजली कर दी, बिजली कंपनियां प्रॉफिट में चल रहा कि अब अच्छी नीयत वाली ईमानदार सरकार है। हम इधर उधर से पैसे बनाने की कोशिश नहीं करते, साफ सुथरे हैं। बिजली कंपनियों को भी कह देते हैं कि भैया बिजली मिलनी चाहिए नहीं तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, पहले उनको पता नहीं क्या कहा जाता था लेकिन अब उनको मैसेज बिल्कुल क्लियर है। मुझे बेहद खुशी है कि आज 93% दिल्ली को पाइपलाइन बिछ चुकी है, 93% में, बाकी 7% दिल्ली बाकी है, वहाँ भी काम चल रहा है। अगले 1 से 1.5 साल के अंदर 100% दिल्ली के घरों में टूटी से पीने को पानी मिलेगा, लेकिन अभी भी 24 घंटे पानी नहीं आता था, 1 घंटे पानी आता है, 2 घंटे पानी आता है, 1/2 घंटा पानी आता है। इसको अब हम ठीक कर रहे हैं, हमने काफ़ी सारे एफर्ट्स करके कोशिश कर रहे हैं अगले 1-2 साल के अंदर पानी की अवेलेबिलिटी
सफिशिएंट हो जाए, उसके भी लिए भी कई सारे टेक्नोलॉजिकल मेजर्स हैं। अपने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा यमुना के फ्लड प्लेन्स में पानी को रिचार्ज किया जा रहा है। अगले साल हम बहुत बड़े स्तर के ऊपर रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना चाहते हैं, जिसमें हम हर सिटीजन को इन्वॉल्व करेंगे कि हर आदमी अपने घर पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर लगाए और पानी को हम लोग कंजर्व कर सकें। और हमें उम्मीद है कि एक दो साल के अंदर पानी की अवेलेबिलिटी अगर हमारे पास पूरी हो जाएगी, जो कि हो जाएगी, तो जैसा भी खेतान साहब कह रहे थे कि 4 से 5 साल के अंदर हम आपको 24 घंटे पानी दे देंगे और आपको आपकी टूटी से पानी पिला देंगे। ये मेरा आपको कमिटमेंट है। पिछले 5 साल के अंदर दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में जो काम हुए उसकी चर्चा आज पूरी दुनिया के अंदर है। शिक्षा में सरकारी स्कूलों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के ऊपर लगाम लगाई गई है और हायर एजुकेशन में भी अब काफ़ी सारे एफर्ट्स किए जा रहे हैं। हेल्थ के अंदर सरकारी अस्पताल, अब हमारे जितने दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स थे इतने गंदे रहा करते थे, अब साफ सुथरे स्पिक एंड स्पैन और सेंट्रली एयर कंडीशन कर दिए मोस्टली हॉस्पिटल्स। और अब सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर दवाइयाँ मिलती हैं सारे और सब कुछ मुफ्त कर दिया सरकारी हॉस्पिटल में। हमें ये लगता है आइडियोलॉजिकली कि कोई भी जिम्मेदार सरकार है उसके 2 काम तो होने चाहिए, अपने हर नागरिक को अच्छी शिक्षा दे और हर नागरिक को अच्छी स्वास्थ्य सेवा दे, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, यहाँ का कमिटमेंट है। और अगर सरकार ये नहीं दे सकती तो उसको सरकार में बने रहने का कोई फायदा नहीं है। लोग टैक्स किस लिए देते हैं? लोग टैक्स इसलिए थोड़ी देते हैं कि मुख्यमंत्री की और नेताओं की और अफसरों की गाड़ियाँ और घोड़े और उनके बंगले चलते रहेंगे। लोग टैक्स देते हैं कि उनको सुविधाएं मिलेंगी। तो अगर कोई सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य भी नहीं दे सकती तो लानत है ऐसी सरकार के ऊपर। मुझे खुशी है कि आज हेल्थ के सेक्टर में मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं, पॉलीक्लिनिक बन रहे हैं, जिनको दूर दूर से विदेश से लोग देखने के लिए आ रहे हैं। डेंगू 15,000 केसेस थे 2015 में, इस साल केवल 380 केस रह गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और अभी तक एक भी डेथ नहीं हुई है। 2015 में 60 लोगों की मौत हुई थी। और सबसे बड़ी एसोचैम तो इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 5 साल में दिल्ली में हमने कोई रेड नहीं मारी। इंडस्ट्री वालों पे, बिजनेस वालों पे कोई रेड नहीं मारी। और आप ये जान के आपको खुशी होगी कि इंडस्ट्री ने और बिजनेस ने हमारे ऊपर फेथ जताया। 2010 से 2015 के बीच में हमारी सरकार बनने के पहले 2010 में दिल्ली का 25,000 करोड़ का टैक्स कलेक्शन था। 2010 से 2015 के बीच में वो बढ़ के 25 से 30,000 करोड़ हुआ और 2015 से 2019 के बीच में ये बढ़ के 30,000 से 60,000 करोड़ हो गया। इसलिए हमने आपके ऊपर भरोसा किया, हमने आपके ऊपर रेड मारना बंद कर दिया। मैं भी इनकम टैक्स में था, मुझे पता है रेड मारने में क्या होता है। वहां पे सरकार को टैक्स नहीं आता, वो पर्सनल टैक्स ही आता है। तो अभी पिछले 5 साल में हमने दिल्ली के बेसिक्स को फिक्स करने की कोशिश की है, लेकिन अब मुझे लगता है कि दिल्ली एक बड़ी उड़ान भरने के लिए अब तैयार है। अब बड़े बदलाव दिल्ली के अंदर किए जा सकते हैं, जिसमें कुछ एक चीजें जो सबसे अहम है हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में, वो पोल्यूशन में अभी तक जितने एफर्ट्स किए गए उन एफर्ट्स की वजह से 25% पोल्यूशन तो कम हुआ है, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। अभी हम हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते इसको। हमें पिछले, मुझे बड़ी खुशी है, ये पहला साल है जब पिछले 3 महीने में, ये इनके ना एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, एक आप लोग अखबारों में रोज पढ़ते हैं, तो वो एयर क्वालिटी इंडेक्स की कैटेगरीज होती हैं। एक गुड कैटेगरी होती है, फिर उसके बाद मॉडरेट कैटेगरी होती है, फिर उसके बाद पुअर कैटेगरी, वेरी पुअर कैटेगरी, डेंजरस कैटेगरी, सीवियर कैटेगरी। तो गुड कैटेगरी सबसे अच्छी मानी जाती है। तो गुड कैटेगरी में पिछले 3 महीने से दिल्ली की हवा गुड कैटेगरी में थी और किसी किसी दिन सर चांद और सितारे भी दिखाई दिए थे। माहौल बदल रहा है सब दिल्ली का। तो हमारा मकसद है कि दिल्ली के 365 दिन चांद और सितारे दिखाई दें और इसके लिए सबको काम करना पड़ेगा। फ्रेंकली अगर मैं ये कहूँ कि हमारे एफर्ट से पोल्यूशन कम हो गया, ये गलत होगा। इसमें सबकी भागीदारी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं, दिल्ली सरकार ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं, नगर निगम ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं, सुप्रीम कोर्ट के बहुत ऑर्डर्स थे, NGT के बहुत ऑर्डर्स थे, सब, और दिल्ली की जनता ने बहुत काम किया है। सबके मिले जुले एफर्ट से पोल्यूशन कम हुआ है। और मुझे अब इस पे हम लोगों को मिलकर काम करना है कि पोल्यूशन को किस तरह से साल के 365 दिन हम लोग कम कर पाएंगे।
ट्रैफिक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं ये नहीं कह कहूँगा कि ट्रैफिक 100% सॉल्व किया जा सकता है, बहुत बड़े बड़े शहर हैं दुनिया के जो अपनी ट्रैफिक की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ से ट्रैफिक को ईज किया जा सकता है, उसके ऊपर अब हम स्टडी करेंगे। और मैं पर्सनली इस पे लगूंगा, मैं देख रहा था अगर आप गूगल मैप उठाएं शाम के टाइम में तो आपको पूरे दिल्ली के नक्शे के ऊपर दिखाई दे जाता है कि कहाँ सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है, तो वो बॉटलनेक्स हो गए हैं। जैसे दिल्ली की सड़कें बहुत चौड़ी हैं, आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में या वेस्टर्न कंट्री में चले जाइए, उनकी सड़कों से ज़्यादा चौड़ी दिल्ली की सड़कें आपको मिलेंगी। दिक्कत ये हो गई है कि हमारी 4 लेन की सड़क अचानक थोड़ी सी आगे जाके 3 लेन में कन्वर्ट हो जाती है, फिर थोड़ी सी आगे जाके फिर 6 लेन बन जाती है। दिस इज नॉट अ गुड डिज़ाइन, ये बॉटलनेक्स क्रिएट कर देता है। अगर वो सड़क 4 लेन की बजाय 3 लेन ही रहे और थ्रू आउट 3 लेन रहे तो वो नॉर्मल ट्रैफिक चलता रहता और बड़ी तेजी से चलता रहता। इन सड़कों को रीडिजाइन करने की जरूरत है। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे अगर माइनर चेंजेस कर दिए जाए तो वो ट्रैफिक के जो कंजेशन है उसको दूर किया जा सकता है। इन चीज़ों पर अब काम करेंगे। दिक्कत दिल्ली की सबसे बड़ी दिक्कत है मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसीज, जिसकी वजह से बहुत सारे काम रुक जाते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ, हमने ये सोचा था कि हम दिल्ली के सारी रोड्स को बिल्कुल नए सिरे से रीडिज़ाइन करेंगे और 9 सड़कें हम लोगों ने आइडेंटिफाई की थी लगभग 100 किलोमीटर की, और हमने सोचा था 9 सड़कों को बिल्कुल यूरोपियन स्टैंडर्ड का बनाएंगे, सड़कें बिल्कुल रीडिज़ाइन करेंगे, उनके फुटपाथ दोबारा करेंगे, उनका स्ट्रीट फर्नीचर उनकी सब कुछ ठीक करेंगे। आपको जान के ताज्जुब होगा, हमें एक इंटरनेशनल अच्छा कंसल्टेंट हायर करना चाहते थे, उस कंसल्टेंट को हायर करने में हमारे को 4.5 साल लग गए। अब हो गया कंसल्टेंट हायर और उम्मीद करता हूँ कि सड़कें बननी चालू हो जाएंगी। अगले हफ्ते मैं अनाउंस करूँगा उसका पूरा डिज़ाइन जो है, और जो पहली कुछ सड़कें हैं उसकी वो उसका वर्क अवार्ड हो चुका है और वो सड़कें बननी चालू हो जाएंगी। वंस वी हैव गुड क्वालिटी रोड्स, प्रॉपरली डिज़ाइन रोड्स, तो वो अच्छी भी दिखेंगी, खूबसूरत भी दिखेंगी, हमारी दिल्ली जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की भी दिखाई देगी और ट्रैफिक भी कम होगा। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट में भी ऑटो भी चलते हैं, ग्रामीण सेवा भी चलती है, मेट्रो भी चलती है, बसें भी चलती है, सब किस्म का चलता है, लेकिन ये सारा इंटीग्रेटेड नहीं है और सर्टेनिटी नहीं है। बसें हैं, पता नहीं कितनी देर में बस आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, फिर बस से मेट्रो पे जाना है तो कितनी देर, इस सब को इंटीग्रेट करने की जरूरत है। ये उतना मुश्किल नहीं है, ये हो जाएगा, टेक्नोलॉजी से ये पॉसिबल है और इस दिशा में हम काम करना शुरू हो गया है। और मुझे बेहद खुशी है कि अब बहुत तेजी से बसें आनी चालू हो गई हैं, लगभग 3 से 4 हज़ार बसें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में वी आर गोइंग टू ऐड इन द नेक्स्ट 6 और 8 मंथ्स, और उसके बाद जब इतनी बसें आ जाएंगी तो वो हम आपको ऐप दे देंगे, आपके ऐप के ऊपर आप देख सकते हो कि आपकी बस कितनी देर में अभी कहाँ पहुँची है, कितनी देर में कहाँ फंसी हुई है ट्रैफिक में। सो देयर विल बी अ सर्टेनिटी, जैसे मेट्रो के लिए आप सर्टेन हो कि इतने मिनट के अंदर अब मेट्रो आएगी, तो इसलिए मेट्रो में ज़्यादा लोग जाना पसंद करते हैं, बस का पता ही नहीं आएगी नहीं आएगी। दूसरा, बहुत सारे लोग अपनी गाड़ी तब छोड़ेंगे जब बसेस कंफर्टेबल होंगी। आज जो बसेस हैं वो लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास को तो कैटर करती हैं, लेकिन कोई भी गाड़ी वाला अपनी गाड़ी छोड़ के बस में जाना पसंद नहीं करता, बिकॉज देयर इज नो कंफर्ट इन द बसेस। तो उस कैटेगरी में भी हम चाहते हैं कि बहुत बड़े स्तर के ऊपर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, जो कि लग्जरी बसेस लेके आए, जो कि लोकल इसके अंदर बसेस चला सकें, उसकी पॉलिसी भी अगले 10-15 दिन के अंदर हम अनाउंस करने जा रहे हैं। सो बस ट्रांसपोर्ट इज अनदर बिग रिफॉर्म दैट वी वांट टू डू इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। उसके बाद है दिल्ली को साफ सुथरा करना, बहुत गंदी है दिल्ली, चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा है, नालियाँ ओवरफ्लो कर रही हैं, सीवर ओवरफ्लो कर रहे हैं। नाउ इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, मतलब मैं सोचा था एक ग्लोबल टेंडर अगर कर दें तो ऐसी बहुत एजेंसीज हैं जो आके दिल्ली को साफ कर सकती हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, जब सारी दुनिया ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कर लिया तो हम नहीं कर सकते क्या, हम भी कर सकते हैं, लेकिन वही फिर MCD अलग चल रही है, दिल्ली सरकार अलग चल रही है, केंद्र सरकार अलग चल रही है, DDA अलग चल रहे हैं, तो वो दिक्कत आ रही है, लेकिन इसको फिक्स करना है, चाहे जो मर्जी करना पड़े, चाहे जिस सरकार के पैर पकड़ने पड़े, अगले 5 साल में हम दिल्ली को चमका के दिखाएंगे, दिल्ली को साफ सफाई करके दिखाएंगे। जॉब्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, जॉब्स के उसमें हमें बहुत सारे काम करने हैं। तो अभी दिल्ली के लिए कई सारे एडजेक्टिव्स यूज किए गए थे, मैं कहना चाहूंगा आई वॉन्ट अ कंपैशनेट दिल्ली, ऐसी दिल्ली। मैंने देखे हैं बहुत सारे मॉडर्न शहर जो हैं वो लोअर क्लासेस के लिए बड़े
कठोर हो जाते हैं. वी वॉन्ट अ डेली विच टेक्स केयर ऑफ इट्स पीपल. ऐसी दिल्ली जो गरीबों की और अमीरों की और मिडिल क्लास का सबका ख्याल रखे और प्यार से और मोहब्बत से ख्याल रखे. सो वी वॉन्ट अ कंपैशनेट दिल्ली. वी वॉन्ट अ केयरिंग दिल्ली. वी वॉन्ट अ स्मार्ट दिल्ली जिसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, खूब जम के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो. वी वॉन्ट अ क्लीन दिल्ली. वी वॉन्ट अ ग्रीन दिल्ली. एंड वी वॉन्ट अ कम्फर्टेबल दिल्ली, कम्फर्टेबल फॉर एवरी वन. उस तरह की दिल्ली का हमारा विजन है. और आज का ये जो टॉपिक है दिल्ली की सोच, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो इस कमरे में जो बैठे हैं, इस हॉल के अंदर जो बैठे हैं, वो बहुत कम लोग हैं. दिल्ली में 2 करोड़ लोग हैं. तो मैं चाहता हूँ अगर SHM ये जिम्मेदारी ले और खूब एडवर्टाइजिंग करके सारे दिल्ली के लोगों की सोच जानने की कोशिश करें, हर दिल्ली वाले की, और फिर उसको हम कंपाइल करते हैं कि हमारे दिल्ली के लोगों का क्या सपना है. केवल मुख्यमंत्री के सपने से काम नहीं चलेगा, केवल SHM के सपने से भी काम नहीं चलेगा. हर दिल्ली वाला क्या सोचता है, हर दिल्ली वाले की क्या सोच है, हर दिल्ली वाले का क्या सपना है, हम सबको मिलकर उसी सपने को साकार करना. थैंक यू सो मच. अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले.